एवरीवन, वेलकम टू फिन स्ट्रीट। आज के क्रिप्टो न्यूज में हम बात करेंगे जो ओपन डाओ है वो डोज कॉइन लेके आ रहा है डीफाई इकोसिस्टम के अंदर। ये पहली बार होगा कि हम डोज कॉइन को डिसेंट्रलाइज्ड मैनर के अंदर लैंड कर सकते हैं और जो स्टेबल कॉइन है उन्हें अर्न कर सकते हैं। अभी इससे पहले भी काफ़ी सारे जो ERC-20 टोकन्स हैं वो मार्केट में आ चुके हैं, जैसे कि WBTC हो गया। इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा पैक्ड रहती है BTC के साथ, और हम इस WBTC को लैंड करके इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं और इसको एज अ कोलेट्रल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अगर हम बिटकॉइन को ऐसे सिंपली हम अगर अपने पास स्टोर करके रखते हैं तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट गेन नहीं कर पाते हैं। अगर हम इसको BTC को WBTC के अंदर अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम उसके अंदर ईजिली इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं। ओपन डाओ जो है वो एक प्रोटोकॉल है जो कि कनेक्ट करता है रियल इस्टेट मार्केट और डीफाई सेक्टर को। और ये जो प्रोटोकॉल जो कि इथेरियम चेन पे बने हुए हैं वो ऐसे टोकन्स को भी एक्सेस कर सकते हैं जो कि नेटिव नहीं है इथेरियम चेन से। ओपन डाओ जो है वो अपने कॉमन पीपल को एक टूल प्रोवाइड करता है टू बोरो अगेंस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, जो कि फ्री हो पॉलिटिक्स से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से। इसका एम है कि अपने कंज्यूमर्स को एक डिसेंट्रलाइज्ड बैंक प्रोवाइड करे। जैसे अभी डोज कॉइन को अभी डीफाई सेक्टर के अंदर लाया जा रहा है, वैसे ही पीपल और कंपनीज जो हैं वो ओपन डाओ को अप्रोच कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं और भी कोई एसेट डीफाई सेक्टर में लाने के लिए। पर जो ओपन होल्डर हैं वो इसको वोट करेंगे और वही उनके वोटिंग से ही ये डिसाइड होगा कि कौन सा एसेट इसके अंदर आ सकता है और कौन सा नहीं। तो ये थी आज की क्रिप्टो न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिन स्ट्रीट। थैंक यू।